ये टाटा विस्टा है, जिसमें गाड़ी में थोड़ा ब्लैक स्मोक का प्रॉब्लम है। अपन देखेंगे ब्लैक स्मोक कितनी है, अपनी शटर वो चेक करेंगे। जर तो लीक झालं ना त्यावेळेस ही टाईट जाम होत, तसं जाम होत नाही। घेऊ ये देखो बाल लेके आया, कैसी उसमें प्ले बड़ी गाड़ी था क्या, ये प्ले होने की वजह से गाड़ी ब्लैक स्मोक और गाड़ी ऑटो रेस हो जा रही थी। अब इसका टर्बो ही बदल डालना पड़ेगा, टर्बो ही नया डालना पड़ेगा अभी इसको। अरे इसमें से कैसे आयल गल रहा है इंटरकूलर में से। और अभी हम इंटरकूलर भी पूरा सर्विसिंग करके फिट करेंगे, पूरा डीजल वगैरह से धोकर फिट करेंगे इंटरकूलर। ये उसका सेकंड टर्बो है, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्ले हो गया है देखो। और अभी अपन इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्ट तो पूरा टर्बो का सेट ही मांग लिया हमने डायरेक्ट, वो भी कोर के साथ पूरा सेट मांगा है सेकेंड ही है। कस्टमर का बजट भी थोड़ा कम था तो अभी हम इसको डायरेक्ट पूरा फिटिंग कर देंगे इसको। ये लगा उसका टर्बो, अभी का
ये टाटा विस्टा पूरी ओके हो गई है अभी। ये हमने गाड़ी में रेस एक्सीटर वगैरह सब दिया है। नाइट में का नाइट का टाइम है अभी फ़िलहाल तो, लेकिन अभी गाड़ी देने की कस्टमर को दिन में मुझे टाइम नहीं था बताने के लिए क्या पूरी गाड़ी कंफर्म हुई क्या नहीं। अभी कस्टमर के मुंह से ही सुना था वो गाड़ी कंफर्म पूरी ओके हुई क्या नहीं। ये हो गई पूरी गाड़ी हमारी, ये गाड़ी की फायरिंग कंपनी, कुछ लीक वगैरह भी नहीं गाड़ी में। बापू गाड़ी क्लियर हो गई ना, धुआं भी हुआ नहीं ना, और नंबर ले लो, धुआं भी हुआ कुछ नहीं ना गाड़ी में, नहीं कुछ नहीं। आती गाड़ी तो बहुत क्लियर हो गई, चलेगा ठीक है।